सौरभ भारद्वाज जी चर्चा का जवाब देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभी साथियों ने अपनी अपनी विधानसभा की समस्या के बारे में बताया और हम भी अपने अपने क्षेत्रों के विधायक हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि अगर किसी इलाके में पानी नहीं आ रहा और वहाँ का जेई एक्सीएन पब्लिक को बता दे कि भाई ये तो 150 मीटर लाइन अगर मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो तुम्हारे यहाँ पानी आ जाएगा, तो पब्लिक रोज विधायक के ऑफिस पे पहुँचती है। रोज, ऐसा नहीं है कि विधायक कह दे महीने भर बाद आना और पब्लिक महीने भर बाद आएगी। पब्लिक अगले दिन आएगी, फिर अगले दिन आएगी, फिर अगले दिन आएगी, औरतें आएंगी। और जो विधायक साथी गांव में रहते हैं वो तो जिस वक्त गांव में पानी आने का समय होता है, अगर 4 बजे है, पब्लिक 4 बजे उठेगी, मोटर चलाएगी, पानी नहीं आ रहा, कहे चलो विधायक के घर चलो, वो 4 बजे विधायक के घर पहुंच जाते हैं। वो कहते हम जगे हुए तो तू भी जग। और रोज है, रामवीर भिदुड़ी जी ने भी कई सारी बातें कही, उन्होंने सहायता करने के विषय में भी कहा कि वो सहायता करेंगे। मैं मोटे तौर पे पहले ये लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने विधायक साथियों को बताना चाहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, कि समस्या क्या है, इसका बैकग्राउंड आप लोग सब समझिए। समस्या इस साल से शुरू नहीं हुई, समस्या पिछले साल से शुरू हुई है। कोरोना के समय में दिल्ली जल बोर्ड की जो आय है, जो रेवेन्यू है, हर साल की तरह दिल्ली जल बोर्ड के बिलों से आती है। कई लोग ये कहते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड को घाटा क्यों हो रहा है, घाटा क्यों नहीं, उस पर भी आएंगे। दिल्ली जल बोर्ड की आमदनी होती है बिलों के भुगतान से। कोरोना के समय में करीब 2 साल ना मीटर रीडर्स गए ना बिल जनरेट हुए, और जो थोड़े बहुत बिल जनरेट भी हुए तो लोगों ने पे नहीं किए। मगर दिल्ली जल बोर्ड तो चलता था, हर महीने तनख्वाहें भी दी गई, पंप ऑपरेटर को भी तनख्वाह दी गई, पंप की मेंटेनेंस भी हुई, सीवर की लाइनें भी डलती रही, जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे चलते रहे, दिल्ली सरकार का खर्चा चलता रहा। मगर दिल्ली सरकार की, दिल्ली जल बोर्ड की जो आय थी, जो बिलों के भुगतान से आती थी, वो आय आनी बंद हो गई, लगभग बंद हो गई। तो वो पैसा जो दिल्ली जल बोर्ड को कामों के लिए मिला, जिसको कैपिटल भी कहते हैं, कैपिटल वर्क्स के लिए कहते हैं, सीवर डालने के लिए, पानी डालने के लिए, अब आपको तनख्वाहें तो देनी है, पंप ऑपरेटर अगर हैं तो उनकी भी तनख्वाह देनी है, अफसरों की तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल आता है हमारा, करोड़ों में बिजली का बिल आता है, जितने भी पंप सेट चलते हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं, मोटर चलती हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, हजारों की संख्या में ट्यूबवेल चलते हैं, उनका हर महीने का बिजली का बिल देना है। तो वो बिजली के बिल का भुगतान, ये जो रेवेन्यू साइड के अंदर जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, वो हमने कैपिटल से दे दिया। ये करीब 1500 करोड़ रुपए के करीब ये पैसा हो गया। अब पिछले साल 2022 के अंदर फाइनेंस विभाग के खास अफसर ये कहने लगे कि भैया ये 1500 करोड़ रुपए कहां गया। हमने बोला कि 1500 करोड़ रुपए, मैं नहीं था तब दिल्ली जल बोर्ड का, बट मैं जानता हूं दिल्ली जल बोर्ड के विषय में क्या हो रहा था, वाइस चेयरमैन था मैं उस समय, कुछ समय तक। तो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि ये पैसा जो है हमने इसको तनख्वाहों के अंदर दे दिया। तो फाइनेंस क्या कहता, नहीं नहीं हम नहीं मानते तनख्वाह करने, हम तो ये मान लेंगे कि तुम्हारे पास खातों में 1500 करोड़ रुपए है। अध्यक्ष महोदय वो पैसा नहीं है, हमने उनको बता दिया वो पैसा तनख्वाहों में खर्च हो गया, यहां पे हो गया। कह रहे नहीं नहीं ऐसे तो तुम कर ही नहीं सकते, ये पैसा तो जो कैपिटल का था ये आप रेवेन्यू में कैसे खर्च कर सकते हो, ये आपके खाते में खड़ा हुआ है 1500 करोड़ रुपए। तो वो खाते में है नहीं, मगर ये कह रहे नहीं आपके खाते में 1500 करोड़ रुपए। तो एक तो इन्होंने 1500 करोड़ रुपए की मार ऐसे मारी दिल्ली जल बोर्ड को, ठीक है जी। अब इन्होंने जितना पैसा हम मांगे इनसे, हमने मांगा जी हमें 2000 करोड़ रुपए दे दो, अच्छा 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लाओ सारे प्रोजेक्ट ले आओ, अच्छा अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, कई महीने निकाल दिए। कह रहे अच्छा लो 500 करोड़ रुपए ले लो, अरे हमने तो 2000 करोड़ मांगे थे, नहीं 1500 करोड़ तो है तुम्हारे पास। ये फाइलों में चल रहा है, फाइल फाइल खेल रहे हैं, जो 1500 करोड़ रुपए है नहीं उसको कह कह के जो है आपका पैसा काटा जा रहा है। तो जब 2023-24 के साल में हम घुसे तो हमारी जो देनदारी है ठेकेदारों की, जो काम हो चुके हैं, वो करीब 846 करोड़ की देनदारी के साथ हम घुसे।
जबकि आरी के अंदर जितने पैसे का वादा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया, आरी के अंदर भी उतना पैसा नहीं दिया, उसमें से भी पैसा काट दिया। तो जब आप 2023-24 के अंदर घुसे तो दिल्ली जल बोर्ड -846 करोड़ के साथ घुसा, देनदारी के साथ। अब ये वही ठेकेदार हैं जो 3 महीने काम करते हैं, फिर और 3 महीने का काम, तो हर 3-3 महीने हर एक एक महीने की इनकी पेमेंट होती है। ज्यादातर वही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट 3-3 साल 4-4 साल के प्रोजेक्ट चलते हैं। छोटे ठेकेदार भी होते हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वही ठेकेदार होते हैं जो दोबारा टेंडर लेते हैं, उन्हीं की पेमेंट आपको पुरानी भी करनी है तभी वो नया आप काम करोगे। ऊपर से ये कंडीशन डाल दी गई कि पहले आप पुरानी पेमेंट करो, फिर आप जो चलते हुए काम है उसकी पेमेंट करो, फिर आप कोई नया काम ले सकते हो। बहुत मेहनत मुशक्कत करके कैलाश जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके दौरान जो है हमने एक मीटिंग की, मीटिंग बड़ी लंबी चली। बड़ी मुश्किल से ये फैसला हुआ कि हमें 2023-24 की पहली किस्त तो दे दो जो हमारी बनती है 25% हमारा। वो 2023-24 की पहली किस्त हमें जो है मई जून में मिली, बहुत लेट मिली, जबकि शुरू में मिल जानी चाहिए थी। वो पैसा जो हमारा आया वो सारा का सारा पैसा हमारी देनदारी में चला गया और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में चला गया। जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट उसका पैसा जो देना है, और जो पुराने खत्म हो चुके हैं उसका पैसा देना, सारा पैसा वहां चला गया। और पिछले 6 महीने में आप देख सकते हो कि कोई नया प्रोजेक्ट मोटे तौर पे नहीं शुरू हो पा रहा, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं है सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा है, दिल्ली सरकार के पास पैसा है, दिल्ली सरकार पैसा देना चाहती है, मगर जल बोर्ड को फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो पैसा नहीं दे रहा। बात अब वो फाइल चल रही है, यहां से फाइल जाती है वो, उसके अंदर जैसा कि उन्होंने अपने गोयल साहब ने भी बताया, सही राम जी ने भी बताया, ऋतुराज जी ने बताया कि आप फाइल भेजो, फाइल पे ऑब्जेक्शन लग जाएगी, फिर आप उन ऑब्जेक्शनों का जवाब दो, फिर ऑब्जेक्शन लग जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्शन लग क्यों रही है, और ये ऑब्जेक्शन लगाने के पीछे सिद्धांत क्या है? यही सिद्धांत है कि अफसरों के ऊपर कंट्रोल चाहिए केंद्र सरकार को। जिस दिन तक अफसरों का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है, फाइल पे जितनी ऑब्जेक्शन चाहे लगवा लो, वो तो लगाते रहेंगे, क्योंकि जिसके हाथ में कंट्रोल है उसने ही कह रखा कि तू ऑब्जेक्शन लगाए जा, पैसा मत दे, दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दे। ये झगड़ा है जो ट्रांसफर पोस्टिंग का झगड़ा है, सर्विसेज का झगड़ा है, जो कहते हैं कि हमार को अफसर दे दो, हमार को अफसर दे दो। क्यों चाहिए इन्हें अफसर भाई? ये कोई मंत्री कोई ना, इनको क्यों चाहिए मंत्री हमें, अफसर इन्हें चाहिए। क्यों चाहिए इन्हें? क्योंकि इन्हें ये काम कराने हैं उनसे। क्या काम कराना है? कि कोई काम नहीं करना, ये काम कराना है। ये चल रहा है। जब डायरेक्शन ऊपर से ये है कि आप काम ना करें तो वो क्या करेंगे, ये चल रहा है। अब बात आती है कि क्या उन अफसरों को आप सिर्फ इस बहाने से माफ कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर ऊपर से दबाव है इसलिए वो काम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं, उन अफसरों की जवाबदेही है। जैसे मंत्रियों की जवाबदेही है वैसे अफसरों की जवाबदेही है। भाई वो तनख्वाह ले रहे हैं काम करने के लिए, काम रोकने के लिए तो नहीं ले रहे। वो जो है अध्यक्षा महोदया वो करना पड़ेगा। मैं मोटे तौर पे जो है एक कुछ चीजें लिख के लाया था तो मैं आपको बता दूं। ये मैंने आपको बता दिया इस साल के बजट के बारे में। कई लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि भाई जल बोर्ड घाटे में क्यों है। ये बड़ी समझने वाली बात है कि जल बोर्ड की आमदनी कहाँ से होती है और जल बोर्ड का खर्चा कहाँ पे होता है। जल बोर्ड की आमदनी तो बिलों से होती है बस। मेरे इतने सारे साथी बैठे हैं, कोई एक साथी भारतीय जनता पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, वो ये कह दे कि भैया मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतना ही खर्चा करियो जितने बिल आए तेरे पास, मैं उसका करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दो, इस असेंबली के अंदर बता दो कि मेरे यहाँ अगर 50 करोड़ रुपये आमदनी हो जल बोर्ड की, तो मेरे यहां एक साल में 50 करोड़ रुपए ही खर्च करो, हम तो तैयार हैं। आमदनी तो ना के बराबर होती है, खर्चा तो पूरा होता है। मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं कि खर्चा क्या होता है। जल बोर्ड के अनऑथराइज कॉलोनीज की सिर्फ अगर हम बात ले लें तो 2014-15 में जब ये सरकार बनी तो 985 कॉलोनी थी जिनके अंदर वाटर नेटवर्क था। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 2014-15 तक 985 कॉलोनियों में वाटर नेटवर्क था। 22-23 पिछले साल में हमने 1630 कॉलोनियों के अंदर वाटर नेटवर्क डाल दिया। इसमें पैसा खर्च होता है। वाटर प्रोडक्शन
बिदुड़ी जी पूछ रहे थे वाटर प्रोडक्शन कितनी बड़ी, इससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी एक दो साथी ने पूछा कि वाटर प्रोडक्शन कितनी बड़ी। हरियाणा से पानी नहीं बढ़ा, यूपी से पानी नहीं बढ़ा, कहीं से पानी नहीं बढ़ा। जो इंटरनल सोर्सेज से दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी वाटर प्रोडक्शन बढ़ाई है वो है 2014-15 में हम 861 MGD पानी जनरेट करते थे, आज की तारीख में हम करीब 1000 MGD पानी जनरेट कर रहे हैं। हमने बढ़ाया, अपने इंटरनल सोर्सेज से हमने बढ़ाने की कोशिश की है, मगर जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है दिल्ली की, उस स्पीड से वो पानी बढ़ना मुश्किल है। जब तक हमारा कोई पड़ोसी राज्य जो है हमें पानी नहीं देगा तब तक मुश्किल है। अनऑथराइज कॉलोनी सीवर के अंदर अगर आपको यमुना साफ करनी है तो आपको सीवर लाइन डालनी पड़ेगी, खासतौर पर अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर डालनी पड़ेगी, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर जो मल रोज उत्पन्न होता है वो घूम फिर के किसी आपके नाले में जाता है, वो नाला घूम फिर के यमुना के अंदर जाता है, फिर वो यमुना को प्रदूषित करता है। तो जब तक आप अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर सीवर लाइन नहीं डालेंगे तब तक आप यमुना साफ नहीं कर सकते। तो अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर सीवर लाइन डालने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया। जब 2014-15 में उनकी सरकार बनी तो 220 कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन थी और पिछले साल तक हम 747 कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डाल चुके। ये काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। आप सोचिए, जब से भारत आज़ाद हुआ 2014-15 तक 220, और जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं तब से अब तक 747 हम जो है इसको हमने पहुंचाया है। अब सीवर ट्रीटमेंट कैपेसिटी, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो सीवर ट्रीटमेंट जितनी सीवर ट्रीटमेंट होती थी दिल्ली में वो थी 373 MGD। अध्यक्षा महोदया, जितना पानी हम लोग देते हैं उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितना सीवर जनरेट होता होगा। दिल्ली के अंदर हमारा अनुमान है करीब 792 MGD, मतलब 792 मिलियन गैलन पर डे सीवेज वेस्ट जनरेट होता है, और उसमें 2014-15 में मात्र 373 मिलियन गैलन पर डे हम ट्रीट करते थे, यानी कि करीब 400 MGD सीवर वेस्ट हम यमुना के अंदर डालते थे। आज की तारीख के अंदर, पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल का डेटा कह रहा है कि हमने ये जो क्वांटिटी ऑफ सीवर ट्रीटेड 570 MGD कर दिया है, हमारी कैपेसिटी इस साल दिसंबर में 814 MGD हो जाएगी, यानी कि जितना हम सीवर जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो जाएगी। और हम लोग ये कह सकते हैं कि कम से कम हमारे पास इतने पर्याप्त साधन हैं कि जितना सीवर जनरेट होगा उतना हम लोग ट्रीट करेंगे। अब अध्यक्षा महोदय, ये सारे काम अगर आप कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं, इतनी सारी कॉलोनीज के अंदर आप अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर सीवर डाल रहे हैं, पानी की लाइनें डाल रहे हैं, जो पुराने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे उनकी क्वालिटी जो थी, जो उसकी आउटफॉल की क्वालिटी थी वो 30-50 की बोली जाती है, अब 10-10 की क्वालिटी के अंदर हम सारे के सारे STPs को अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसके लिए हजारों करोड़ रुपये। इस साल का बजट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि कम पड़ रहा है वो है करीब 4600 करोड़ रुपया, इस साल का बजट है, मतलब करीब 4600 करोड़ रुपया हम लोगों का अनुमान है कि हम लोग दिल्ली के, माफ कीजिएगा, 4839 करोड़ का हमारा बजट है, और हमारी जो आमदनी होती है दिल्ली जल बोर्ड की वो मोटा मोटा 1000-1200 करोड़ के बीच में होती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप 4500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, सीवर लाइनें डालेंगे, पानी की लाइनें डालेंगे, ट्यूबवेल डालेंगे, नए नए सोर्सेज खोल रहे हैं, आप लेक्स बना रहे हैं, 4500 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, 1200 करोड़ रुपए आप कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप हर साल जो है एक डेप्थ के अंदर जाएंगे, और जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो डेप्थ में जाती हैं। ये कोई प्रॉफिट अर्निंग सेंटर नहीं है दिल्ली जल बोर्ड। कोई विधानसभा का आदमी बता दे कि भाई हमारे, अगर आप मान लें कि 4500 करोड़ रुपए खर्च होता है तो एक विधानसभा के अनुपात के अंदर बहुत बहुत पैसा खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से जल बोर्ड की कमाई नहीं है। अब बिदुड़ी जी ने कई सारी बातें कही, उन्होंने बोला कि भाई हिमाचल के अंदर MOU क्यों नहीं साइन हुआ, हो गया, इनको पता है। अब सवाल ये आता है कि वो MOU 2 साल पहले साइन हो गया, वो पानी भी हमारे पास, अध्यक्ष महोदय और सारे विधायक साथी समझे कि इसके अंदर
कला कहां पे है और कलाकार कहां पे बैठा है। हथनी कुंड बराज जहां से पानी आया और दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति हुई, वहां पे कई राज्यों का पानी का डिवीजन किया हुआ है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल वाटर कमीशन ने। दिल्ली के हिस्से का पानी हम दिल्ली ले आते हैं कैनाल से, हिमाचल के हिस्से का पानी हिमाचल का है, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलता है वहां से। अब वहां जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना पानी का जो हिस्सा हिमाचल का है, हिमाचल चाह के भी वो पानी हिमाचल में नहीं ले जा पाता, क्योंकि हिमाचल ऊंचाई पे, हथनी कुंड नीचे है प्लेन में, तो हिमाचल प्रदेश के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो अपने हिस्से के पानी को हिमाचल ले जा सके, तो लिहाजा वो पानी वहीं पे छोड़ देता है और वो पानी हरियाणा को मिल जाता है हिमाचल के हिस्से का। तो हमने हिमाचल प्रदेश से MOU किया कि भाई तुम्हारा पानी यहाँ पे हथनी कुंड पे है, हम तुम्हारा पानी खरीद लेंगे, तुम्हें पैसे की आमदनी हो जाएगी, दिल्ली सरकार पैसा दे देगी, आप अपने हिस्से का पानी हमें दे दो। हरियाणा हिमाचल तैयार हो गया, उनको लगा पैसे की आमदनी हो जाएगी। अब समस्या किसको हुई? हरियाणा को, जो हिमाचल के हिस्से का पानी मुफ्त में ले रहा है। तो हरियाणा ने मना कर दिया कि भाई पानी तो ले लोगे मगर रास्ता तो हम ही देंगे, हम रास्ता ही नहीं देंगे तुम्हें, हमारी केनाल है वहां पे, हमारी CLC और DSB दो केनाल है जिसमें हमारा पानी आता है। मगर इसके बावजूद हरियाणा का ये एतराज है कि भाई ठीक है केनाल तुम्हारी है मगर इजाजत तो हमसे लेनी है। सिर्फ हरियाणा के पेट में दर्द इतना है कि पानी तो तुम खरीद लोगे, ले जाओगे कैसे, हम ले जाने नहीं देंगे। अब विदुर जी करो इसका सोल्यूशन। अब दूसरी पे आते जो उत्तर प्रदेश के साथ हमारा MOU हुआ, वो बड़ा अच्छा MOU था। उत्तर प्रदेश के साथ हमारा MOU ये हुआ कि हमारे ओखला ट्रीटमेंट प्लांट, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट है, 140 MGD के ट्रीटमेंट प्लांट है, बल्कि अब तो अपग्रेड हो रहा है, नई क्वालिटी का साफ पानी निकलेगा, कोंडली वाला भी है। हमारा ये उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव था कि हम आपको ट्रीटेड वाटर दे देंगे, क्योंकि आपको तो खेतों में देना, तो वो आपके लिए और ज्यादा न्यूट्रिशियस है, और ज्यादा आपको फायदा है उस पानी से, और जल्दी ग्रोथ होती है, और उसके आवाज में आप हमको साफ पानी दे दो। ये मामला हमने नीचे नीचे चलाया अफसरों के पास, और वो मामला सही चल रहा था। फिर ये बात हमने अपने LG साहब को बता दी, इनसे पहले वाले जो थे, उन्होंने चिट्ठी योगी आदित्यनाथ जी को लिख दी। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी को पता चला, उन्होंने वो स्कीम वहीं की वहीं रोक दी, आप करा दो, मैं आभारी रहूंगा। अब तीसरी बात, अब बिदुड़ी जी आप अच्छे आदमी हो, आप हरियाणा यूपी में कहां परेशान होगे, मैं आपको एक आसान चीज दे देता हूं, मैं आसान सी चीज दे देता हूं, केनाल बनी हुई है, केनाल बनी हुई है, ठीक है, आप सुनिए, बिदुड़ी जी बैठे, ठीक है, अब क्या है, आप बिदुड़ी जी, अब क्या है बिदुड़ी जी, इसके लिए हमें कोई नई, बिदुड़ी जी ये सोच रहे हैं कि ये नई कैनाल के बाद में इनको फंसा दूं, ये कैनाल बनाते रहेंगे तब तक तो टर्म एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा नहीं, कैनाल बनी हुई है, उसी कैनाल में आना है पानी, आना है, कैनाल बनी हुई, अब मेरी बात तो मान लो, आप दे दो ना। चलो आप सुनिए, अब बहुत हो गया भाई, आपने ऑफर दिया था इसलिए मैंने आपका ऑफर मान लिया, आप ही ने दिया था। अब तीसरी चीज पे आते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप हिमाचल जाओगे, हरियाणा जाओगे, यूपी जाओगे, इतना टाइम लगेगा, आप 1 किलोमीटर दूर LG साहब के यहाँ क्यों नहीं चल लेते मेरे साथ, 1 किलोमीटर पे ही है, उनको कह दो कि ये जो अफसरों ने जिन्होंने पैसा रोक रखा वो पैसा ना रोके, काम पूरा हो जाएगा, इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा उसमें टाइम ले लो, मैं और आप चलते अभी चलते, यूपी वाले से कब मिलेंगे, हरियाणा वाले से कब मिलेंगे, पास के पास में, आपकी तो चलती है इतनी, सिर्फ इतना कह दो कि दिल्ली सरकार के पास जो दिल्ली के टैक्स वालों का पैसा है, हम केंद्र से पैसा नहीं मांग रहे बिदुड़ी जी, ना हम किसी और से पैसा मांग रहे, हम दिल्ली सरकार के पास दिल्ली के टैक्स वालों का जो पैसा है वो मांग रहे हैं,
वो देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा पैसा हम ही को देने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज आप एलजी साहब को बता दो तो हमारा काम हल हो जाएगा। करेंगे? हिसाब तो दे दो फिर आगे भी दिलवा देंगे। नहीं वो तो दे दो हमारा हिसाब। हिसाब देंगे नहीं आप और पैसा मांगते जाओगे तो ये उचित नहीं है। विधोड़े जी बैठे, मंत्री जी। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूरी की पूरी जो बातचीत थी, देखिए ये बड़ा अच्छा हुआ कि इतने सारे विधायक साथियों ने अपना दर्द बताया। रामवीर भिदुड़ी जी ने भी अपना दर्द बताया। इनके ये भी बहुत परेशान है फंड से, इनके बीजेपी के साथी नहीं जानते होंगे, ये भी बहुत परेशान है फंड से। ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से किसी तरीके से इनको कुछ बजट जो है दिल्ली जल बोर्ड का मिल जाए, और सब लोग परेशान हैं। मगर इस बात को समझना पड़ेगा कि ये दिल्ली जल बोर्ड इकलौता विभाग नहीं है जिसको परेशान किया गया है। हमारी पिटीशंस कमेटी के अंदर वो मामले आए थे जिसके अंदर अध्यक्ष महोदया, जैसे हमारे एक ऋतुराज भाई ने भी बताया, ठीक एमसीडी के चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के अस्पतालों के ओपीडी के अंदर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को भगा दिया गया। आप सोचिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में क्या हालत हुई होगी जब बीमार लोग ओपीडी में पहुंचे होंगे और पर्ची बनाने वाले लड़के कई महीनों तक गायब थे। इन्होंने ऐसे सताया है दिल्ली के गरीब लोगों को। दिवाली से पहले पिटीशन कमेटी की हमारी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर गरीब लोगों के वीडियोस हमने असेंबली कमेटी के अंदर चलाए थे। वो गरीब गरीब लोग कह रहे थे बेटा तीन तीन चार चार महीने से पेंशन रोक रखी है सरकार ने। वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने रोक रखी थी ये जानते कोई नहीं, तो जानते वो कौन अधिकारी है? दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो फ्री टेस्ट होते थे, जो कंपनी फ्री टेस्ट करती थी उसको पैसे रोक दिए। उन्होंने टेस्ट रोक दिए दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट होने बंद हो गए महीनों तक। कैसे हुआ था सब जानते हैं, कैसे हुआ था इनको भी मालूम है। आपने पेंशन रोक दी, अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर भगा दिए, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की का मेहनताना बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट जो होते थे वो बंद कर दिए। ये अपने आप ही कोई ना हो रहा, और जो अधिकारी कर रहे हैं उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक बार मुझे पता चला कि डूसिप का एक रैन बसेरा देखने एलजी साहब गए और वहां पे एक चद्दर गंदी थी, तो एलजी साहब ने उस सीओ को निकाल दिया, सुबह रात को ही ऑर्डर कर दिया सीओ सस्पेंड, और एक महीने बाद उस रैन बसेरे को डीडीए ने उड़ा दिया। मतलब जिस रैन बसेरे की एक चद्दर से एलजी साहब को इतना एतराज था, आपने उस पूरे रैन बसेरे को ढा दिया और आपके दिल में दर्द नहीं आया? क्योंकि मामला वो रैन बसेरे का नहीं था, मामला उस अधिकारी का था, उस अधिकारी को हटाना था तो आपने हटा दिया। तो जब आप एक चद्दर का बहाना लेके एक अधिकारी को हटा सकते हो, तो जहां पे आपके मोहल्ला क्लिनिक को ठप किया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, बुजुर्गों को तीन तीन महीने तक पेंशन के लिए चक्कर कटाए जा रहे हैं, जल बोर्ड को आप पूरा का पूरा जो है ठप करना चाहते हैं, कि एलजी साहब को दिख नहीं रहा होगा? एलजी साहब को दिख रहा है कौन कर रहे हैं ये भी पता है, सबको सब कुछ पता है। इसीलिए इनको अफसरों का कंट्रोल चाहिए, लड़ाई तो ये है, इसलिए इनको अफसरों का कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अफसरों से इनको ये काम रुकवाने दिल्ली का, ये लड़ाई है अध्यक्ष महोदय। बहुत अच्छी चर्चा हुई, सब लोगों ने इसके अंदर बड़ा पार्टिसिपेट किया, विपक्ष से भी कई साथियों ने बहुत अच्छा बोला। मोहन सिंह बिष्ट जी, मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो करावल नगर का सोनिया विहार का जो सीवर रुका हुआ है, उसके साथ दिल्ली जल बोर्ड के करीब एक दर्जन प्रोजेक्ट रुके हुए हैं क्योंकि पैसा नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप चाहे दिल्ली जल बोर्ड के मिनट चेक कर लेना, ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो हमने रुका हुआ है पैसा नहीं है, आप पैसा दिलवा दो आपको दिलवा दें, पैसा नहीं है सीवर के अंदर, नहीं है पैसा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।